हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेल कॉन्गशेल और फीमेल कॉन्गशेल, जिसे मेल को जिसे कहते हैं शंख और फीमेल को कहते हैं शंखिनी, इस पे आज आपको कुछ जानकारी मैं बताऊंगा। वैसे इस दुनिया में जितने भी शंख है, जितने भी इस समंदर में जितने भी शंख है, सभी के मेल और फीमेल स्पीशीज़ होते हैं। और जो अपना सबसे पॉपुलर शंख है इंडिया का, से विष्णु शंख या पद्म शंख भी कहते हैं, उसमें भी मेल और फीमेल प्रजाति पाई जाती है। लेकिन वो शंख का जो स्ट्रक्चर होता है, उसे देख के बता पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि वो एक्चुअली में शंख है या शंखिनी। वो तो यही लोग बता पाएंगे जो शंखों पे साइंटिफिक स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च करते हैं, वही लोग बता पाएंगे एक्चुअली। लेकिन मेरे पास अभी पंचमुखी शंख है और उसमें ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे कुछ डिफरेंसेस है जो एक दूसरे को, मतलब मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, एक दूसरे से अलग बताते हैं। तो मेरे पास अभी देख लीजिए, ये दो पंचमुखी शंख है। तो देख लीजिए आप, तो ये जो है मेरे हाथ में, ये फीमेल वाला है, इसे शंख ही नहीं कहते हैं, और ये जो वाला है जो है ये इसे शंख कहते हैं। अभी डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि ये शंखिनी कैसे है। अब यदि आप ये कांटों को देख रहे हो, ये जो सबसे पहला जो कांटा है और ये दूसरे नंबर का जो कांटा है, ये ऐसे कर्व्ड है, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ मुड़े हुए, ऐसे ऐसे जा रहे हैं वो कांटे। तो ये जो दो कांटे हैं, इसके वजह से ही ये फीमेल है। यदि आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कांटा है ऐसा ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। स्टार्टिंग के जो दो कांटे होते हैं, ये ऊपर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। लेकिन यदि आप मेल में देखोगे तो ये ऐसे आइदर ऐसे स्ट्रेट रहेंगे या थोड़े नीचे झुके हुए रहेंगे। एक तो ऐसे रहेंगे, नहीं तो ऐसे रहेंगे झुके हुए। फीमेल में ऐसा होता है ऊपर, लेकिन इसमें ऐसे नीचे झुके हुए, देख लीजिए आप स्टार्टिंग के जो दो कांटे हैं। तो ये डिफरेंस होता है कि जो मेल में जो होता है वो नीचे की तरफ होते हैं और फीमेल में ऊपर की तरफ होते हैं। अब दूसरा डिफरेंस ये है कि ये जो सतह है, थोड़ा देख लीजिए आप, ये थोड़ा सा सेंटर में नहीं दिख रहा होगा, राइट साइड में, हल्का सा राइट साइड में है ये जो सतह है जो ऊपर ऐसा, और ये जो मेल में है एकदम सेंटर में है, देख लीजिए आप, परफेक्ट सेंटर में है। ये मेल स्पीशीज़ है और ये फीमेल में हल्का सा राइट साइड में झुका हुआ है। तो ये एक डिफरेंस है, ये फीमेल है। और फीमेल में जो लास्ट के जो दो कांटे होते हैं, इसे डिजिटेशंस कहते हैं। तो ये जो दो कांटे हैं लास्ट के, ये भी बड़े होते हैं, मतलब पांचों के पांचों कांटे बड़े होते हैं फीमेल में। लेकिन मेल में कैसा होता है, आखिरी के जो दो कांटे होते हैं, देख लीजिए कितने छोटे हैं। तीन स्टार्टिंग में बड़े रहेंगे, लेकिन आखिरी के जो दो कांटे होते हैं वो थोड़े छोटे रहते हैं। तो ये एक डिफरेंस है मेल और फीमेल में। और एक और बात ये है कि फीमेल जो होता है, शंखिनी जो होता है पंचमुखी में, वो थोड़ा बड़ा होता है मेल से। लेट्स से फीमेल में कैसा होता है कि कम से कम ये 9 या 9.5 इंच तक ग्रो होगा, लेकिन मेल में कैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा 7-7.5 इंच तक ही ग्रो होता है। तो इस वजह से डिफरेंस एक और है, फीमेल जो जो शंखिनी है ये हल्का सा भारी होगा और मेल में हल्का होगा काफ़ी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ग्रो नहीं होगा। ऑब्वियसली जो ज़्यादा बड़ा ग्रो होगा उसका वेट ज़्यादा होगा, तो फीमेल जो शंखिनी थोड़ा भारी रहेगा और मेल जो है थोड़ा हल्का रहेगा। तो यही था डिफरेंस बताना था कि कैसे फीमेल पंचमुखी जो है वो शंखिनी है और वो जो है मेल जो है वो शंख है। बस कांटे का डिफरेंस ही आपको समझ में आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ उठे हुए देखिए, लेकिन ये जो है नीचे की तरफ झुके हुए, मेल में या स्ट्रेट रहेगा या नीचे थोड़े से झुके हुए रहेंगे। तो यही डिफरेंस था शंख और शंखिनी का। और कई शंखों का मतलब मैंने स्टडी किया, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस मैं बता नहीं पाऊँगा। तो मैंने सोचा पंचमुखी शंख का ही मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूँ कि कैसे फीमेल और मेल अलग अलग होते हैं, शंख और शंखिनी कैसे अलग अलग होते हैं। तो यही डिफरेंस, यही जो जानकारी थी मुझे आपसे शेयर करनी थी।
आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है श्री कृष्णा, और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहूँगा शंकु से रिलेटेड और अदर अदर टॉपिक्स या स्पिरिचुअल रिलेटेड टॉपिक्स पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।